अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीए कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपका दरार डिजिटल सोर अप्रूव हो जाता है, ठीक है, ऑथोराइजेशन लेटर सारा कुछ ओके होता है, उसके बावजूद फिर वो आपसे ऑथोराइजेशन लेटर डिमांड करता है। क्योंकि उसकी दो रीज़न होती हैं, क्योंकि आप ऐसे रैंडमली प्रोडक्ट उठा उठा के लगा रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आपका ऑथोराइजेशन लेटर ठीक नहीं होता, आपको दोबारा से सारा कुछ करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारे स्टोर के ऊपर भी यही इशू आया था, तो इस भाई ने भी यही मिस्टेक की थी। अब ये देखें, स्टोर के ऊपर 5 प्रोडक्ट लाई मैं इस टाइम में, देखें, ठीक है, तो ये देख लें। तो अब क्या हुआ, ये लाइव सारी तो हो गई हैं, तो लाइव होने के बाद ये देखो अब न्यू प्रोडक्ट्स इस पे ऐड नहीं हो रहे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के टैब पे आए। इसकी एक रीज़न है क्योंकि इसने भी, भाई ने बहुत डेली बेस के ऊपर अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट अपलोड करोगे तब भी यही इशू आएगा। अब यहाँ पे ना मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा है वेरिकॉर्ड, ठीक है, तो मैं इसको ना अपलोड करना चाह रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ क्या इशू आता है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई इशू होता तो पहले ही ये लिस्ट ना होती। अब पहले लिस्ट हो रही थी, अब लिस्टिंग नहीं हो रही, वो कह रहा है कि इसका ऑथोराइजेशन लेटर वगैरह सारा कुछ दोबारा लेके आओ। तो अब आपने इस इशू को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप ये ऑथोराइजेशन लेटर के हवाले से बैठे हैं, अगर कोई आपको इशू आ रहा है तो आपको ऑथोराइजेशन लेटर नहीं मिल रहा, तो आप लोग हमसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह हम आपका ये इशू सॉल्व कर देंगे और आपको ऑथोराइजेशन लेटर के हवाले जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपको आपकी सॉल्व कर देंगे। कमेंट सेक्शन में हमारा फ़ोन नंबर मौजूद है, आप सिंपली उस नंबर पर व्हाट्सअप करें तो आपका मसला हल कर दिया जाएगा और हम आपको ये सर्विसेज देंगे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर पड़ा मेरे पास, यहाँ मैं इसकी प्राइस लगाता हूँ, ठीक है, रैंडमली ऐसे। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको दिखाना है कि इसके अंदर इशू क्या आ रहा है। तो यहाँ पे वारंटी लिखी, यहाँ पे इसका वेट वगैरह डाला मैंने, वेट वगैरह डाल के। तो आपने भी ये करना है कि मैक्सिमम लिस्टिंग नहीं करनी, ठीक है, उसके बाद आपका ऑथोराइजेशन लेटर ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि अगर कल को आपका स्टोर इस तरह बैन हो जाए तो आपको बहुत लॉस होगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट पे रैंकिंग होगी, सारा कुछ होगा, तो आपका जब आपका स्टोर बैन हो जाएगा तो परमानेंटली डिलीस्ट हो जाएगा दराज से और आप उसको रन नहीं कर सकोगे। तो अभी देखो जब मैं इसको करता हूँ तो ये देखो, ये फिर वही मसला कर रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू सेल एड प्रोडक्ट अंडर मार्केट प्लेस कैटेगरीज, कि मैं इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस इशू को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका ये है कि आप इस इशू को अगर आप किसे होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपका ये वाला इशू 3 वर्किंग डेज के अंदर सॉल्व कर देंगे। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाएं और जाके अपना इशू बयान करें तो हम आपसे ख़ुद भी रब्ता कर लेंगे। इस तरह आपने अपने डिजिटल स्टोर के ऊपर ये वाला इशू सॉल्व करना है। थैंक यू।